ये क्या हॉरर और सस्पेंस दोनों साथ में देख रही हो? ऐसा चेहरा क्यों है? क्या तुम डॉन फिल्म के शाहरुख की तरह कोई डॉन हो या फिर कोई मर्डर करके यहाँ छुपने आए हो? लगता है तुम फिल्म में कुछ ज्यादा ही देखती हो। मेरी कहानी में कोई भी ट्विस्ट नहीं है। तो आखिर तुमने हमें ये सब झूठ क्यों बताया? बाहर हो जा मेरी जिंदगी से। इसके पिताजी ने मेरे डैड को गद्दार कह के यहाँ से निकाल दिया था। ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं इंडिया के इसके पिताजी को सच दिखाना चाहता था। जब मैं मौके का इंतजार कर रहा था तभी एक फोन आया। क्योंकि तुम नहीं थे, फोन मैंने आंसर किया। हेलो हेलो कार्तिक, मैं तुम्हारा छोटा मामा बोल रहा हूँ। रघु मामा की बेटी की शादी के लिए हमें राइस मिल बेचनी है जिस पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। तुम्हारी मॉम ने कहा कि तुम आने वाले हो। प्लीज आ जाना। हाँ, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे पास है। मैं आ जाऊंगा मामा। तब मुझे पता चला ये तुम्हारा कजिन है। फिर मैं इंडिया आ गया फोन के बारे में बताए बगैर। ओह, अब मैं समझा। मम्मी ने कहा था कि मामा का कॉल आएगा, लेकिन वो कॉल उठाया तुमने। उसके बाद मम्मी से मेरी बात नहीं हो पाई, इसलिए मेरा प्लान चल गया। अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो देख लेना, मैं उस शांताराम को शांति से बैठने नहीं दूंगा। लॉन्ग लिव गुरुजी। ए, फोकस बराबर कर। पता है आजकल कितना कंप्लेंट बढ़ गया है? ए, असिस्टेंट इधर आ। तुम क्या खड़े खड़े सो रहे हो? एक्टर की तरह है। इधर है सर। मैडम यहाँ। ए, भास्कर, किसे एक्टिंग भी करनी है? मैडम, आपको अपने डायलॉग याद है? तुम्हें एक दूसरे के साथ लड़ना है। अबे मेकअप करना बंद कर, चल निकल। ये 1000वां एपिसोड है, परफॉर्मेंस बेस्ट होना चाहिए। इन्हें डायलॉग याद कराओ। पता नहीं कैसे कैसे लोग एक्टर बनने आते हैं यार। रेडी स्टार्ट कैमरा एक्शन। सासू माँ, मैं जानती हूँ कि मुझे अपनी शादी कैसे बचानी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शादी तोड़ के रहूँगी। और इमोशन चाहिए। मुझे धमकी दी गई। हेलो, ये कहाँ से? हाय डायरेक्टर सर। तुम्हें हाय नहीं बाय करना चाहिए। उन लोगों ने मुझे इतना मारा, अब भी दुख रहा है। यकीन करो, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बुरा ना मानो तो एक बात बताओ, तुम्हारा डायरेक्शन थोड़ा वीक हो गया है। एकदम सही पहचाना, मुझे डायरेक्टर नहीं बनना था, मैं तो एक्टर बनने आया था। मुझे तो लगा ही था। वाह, एक नया आर्टिस्ट मिल गया। 1962-2050 एक नई फिल्म बनाते हैं। आप कल से ही वर्कशॉप ज्वाइन कर लो। आप टीवी से बॉलीवुड, बॉलीवुड से हॉलीवुड, हॉलीवुड से सीधा हॉलीवुड। क्या बात है सर, मुझे भी एक्टर बनना है सर। मैं तुम्हारी भी बात कर लूंगा। सर, इस रोल के लिए मुझे क्या करना होगा? अरे रोल तो आपका ही है। थैंक यू सर। थैंक यू। शांताराम को सबक सिखाने के लिए मेरी टीम रेडी हो गई है। मेरा एक फ्रेंड है किशोर, वो शांताराम की कंपनी में काम करता है। मैंने उसे यहाँ मिलने के लिए बुलाया। हाय। हाय किशोर। हाय। ये है किशोर, मिला। हाय किशोर। हाय बेबी। सरस्वती टाइप है, नो प्रॉब्लम। मुझे एक्टिंग का बड़ा ही शौक है, इसलिए मैं कोई भी रोल कर सकता हूँ। सही है। अब शांताराम को फंसाने के लिए उसके एक खास आदमी की जरूरत है। ये जोकर हैं गिरजा राव। जितने खास अकबर के लिए बीरबल थे, उतने ही खास शांताराम के लिए ये हैं। एक नंबर के नॉनसेंस हैं ये, लेकिन इनके हर आइडिया ने गलती से शांताराम को और भी अमीर बना दिया है। बिजनेस के मामले में शांताराम आंख बंद करके गिरजा राव पर विश्वास करते हैं। थोड़े क्रेजी हैं, लेकिन गुडलक काफी तेज है। और नादान इतने हैं कि बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। हेलो आनंद, वन मिनट। हाँ सर। किशोर कहाँ है? आज वो ऑफिस नहीं आया सर। क्यों? उसकी माँ गुजर गई। ओह, आई सी। उसके घर चलो। आपकी मदद के लिए थैंक यू सो मच। कूल ब्रो, बस ये प्लान सक्सेसफुल होना चाहिए। यस। हे, लगता है गिरिजा आ गया। परफॉर्मेंस परफेक्ट होनी चाहिए। भगवत गीता ऑन करो। मम्मी, प्लीज उठ जाओ। मम्मी, मम्मी, आप फोन पर बात करते करते ही चल बसी। मम्मी, मम्मी, प्लीज उठ जाओ। मम्मी, अब भला रोने से क्या मिलेगा तुम्हें? रोना बंद कर दो किशोर, कंट्रोल योर इमोशंस। मम्मी, कुछ करो यार। हेलो। मोबाइल बिल कब भरेंगे सर? जिसे भरना था वो नहीं रहे। मम्मी, मम्मी उठ जाओ। मम्मी, थोड़ा सब्र रखो मेरे दोस्त। ये नहीं रही, मैं इसलिए नहीं रो रहा। ये 3 दिन पहले मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती थी, लेकिन 3 दिन से ये फोन पर बात कर रही थी। अब वो इम्पोर्टेंट बात क्या थी मुझे नहीं पता। दुखी मत हो, कार्तिक हेल्प कर सकता है। वो तो गई, अब ये कैसे हेल्प करेगा? मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? वही, ये भला मेरी हेल्प कैसे करेगा? टाइम मशीन से। टाइम मशीन? टाइम मशीन से क्या असल में हो सकता है? सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। हाँ, ये तुम्हें 3 दिन पीछे भेज देगा, फिर तुम अपनी मम्मी से बात कर लेना। ये पॉसिबल है? फिल्मों में जब हम बड़े पर्दे पर बड़े एक्टर्स को देख सकते हैं, तो ये क्यों नहीं? जैसे है लैपटॉप, आईपॉड, कंप्यूटर, लाइव टीवी, वैसे ही है टाइम मशीन। सच में? नहीं नहीं, मेरी हेल्प करना प्लीज। नहीं यार, ये टाइम मशीन मैं बहुत मुश्किल से चाइना से लाया हूँ। मैंने सबको झूठ बोला है कि ये शूटिंग के लिए लाया हूँ, और मैंने उसे फिल्म सिटी के स्टूडियो में रखा है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। प्लीज भाई, मुझे एक बार अपनी माँ से मिलना है।
मुझे लास्ट बार इनसे कुछ बात भी करनी है। एक लास्ट बार श्रुति तुम इसे कुछ समझाओ ना प्लीज। कार्तिक तुम्हें अपने दोस्त के लिए करना होगा। ओके 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 ओके, लेकिन ये बात तुम्हें सीक्रेट रखनी होगी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चलो चलो चलो, तुम यही रुको। मम्मी तुम कितना भी सीक्रेट रखो मुझसे नहीं छुपा पाओगे तुम। मम्मी तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे कोई भी बहुत आसानी से शक्तिशाली बन सकता है, क्योंकि समय का चक्र इस मशीन के हाथों में है। हम टाइम मशीन में जाएंगे और इसकी मदद से हम 3 दिन पीछे पहुंच जाएंगे। 4, 3, 2, 1 अरे इसे खोलने के लिए कोई गोदरेज का लॉक नहीं है। अरे सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, इसका एक कोड बोलना होगा। वो क्या? मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे तुम बोलना। ओके। इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी वही अलीबाबा के जमाने का मंत्र। This is the time machine. अरे ये क्या कर रहे हो? लगा दो। सॉरी सॉरी। टाइम मशीन। तीनों के अलावा और कोई नहीं है ना? कोई भी नहीं है दोस्त, चलो चले। ओके, तुम्हें 3 दिन पीछे जाना है ना? ओ मम्मी। ओवर एक्टिंग मत करो। ठीक है। 3 days back. Lock. किशोर, गैस चेंबर में जाओ। मुझे डर लग रहा है। अरे डरने वाली कोई बात नहीं है, जाओ। पक्का ना? पक्का। पागल हो गया किशोर, चिल्लाना मत, कुछ नहीं होगा। मैं कब चिल्लाया? इसके नशे में रहते ही हमें सारा काम करना होगा। कम ऑन, लोकेशन चेंज। आराम से, आराम से। इतना हिल क्यों रहा है? ओके ओके ठीक है। किशोर रेडी? मम्मी मेरी कॉफी किधर है? मम्मी मम्मी हाँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी करो। आ ही रही हूँ बेटा। क्या टाइम मशीन सच में चल पड़ी? अखबार वाला। ये तो 3 दिन पुराना है, मतलब मैं भी 3 दिन पीछे आ गया हूँ। व्हाट अ चमत्कार। मम्मी आप मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाली थी ना? हाँ करनी थी। बात ये है कि तुम्हारे पिताजी ने 20 साल पहले एक जमीन खरीदी थी, अब उसकी कीमत 20 करोड़ है। मम्मी मैं करोड़पति बन गया। मम्मी
हाँ बेटा, आज से तुम हर रोज बिरयानी खा सकते हो, मर्सिडीज खरीद सकते हो, स्विट्जरलैंड जाके खुद के लिए एक रोमांटिक गाना भी शूट कर सकते हो। थैंक्स मम्मी, मैं आज बहुत खुश हूँ। जल्दी से मेरे बॉस को नशे वाली कॉफी दो। ओके, अब मैं चलता हूँ। भगवान मेरे बेटे को खुश रखना और उसे खुश देखने के लिए मुझे जिंदा रखना। नहीं हो सकता। आप कौन है और भविष्यवाणी कैसे कर रहे हैं? क्योंकि मैं भविष्य जानता हूँ, यही सच है। मैं हूँ गिरिजा राव और मुझे तुम्हें एक बहुत ही कड़वा सच बताना। कैसा सच? तुम बस 3 दिन की मेहमान हो। नहीं, नहीं। हाँ। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये तो वक्त की बात है, जब वक्त आएगा तब पता चलेगा। टाइम मशीन से पता चला। आपने मुझे बताया कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन है, उसके लिए शुक्रिया। अब ये कॉफी पीजिए और मेरी विश पूरी कीजिए। विश? कैसी विश? बस कॉफी पीजिए। ओ, तो ये विश है। हो गया। यस, मैं मम्मी से मिला और उन्होंने मुझे वो इम्पोर्टेंट बात भी बता दी। अब मैं करोड़पति हूँ। यस। क्यों भाई, खुश हो ना? बहुत खुश। मेरे डैड की पुराने वाली जमीन से 20 करोड़ का मालिक बन गया। क्या है, तेरी माँ मर गई है और तू खुशी के मारे उछल कूद रहा है? मम्मी। बस कर, ये नौटंकी करना बंद कर, अभी मारूंगा वरना। वो अंदर के टाइम मशीन है। वो तो वॉशिंग मशीन कम ड्रायर है सर। मैं बेवकूफ दिखता हूँ नहीं, मुझे सच पता चल गया है। सर, 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 मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ सर। हाँ। अंदर एक टाइम मशीन है जिसकी मदद से हम 50 साल पीछे जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। इसका नाम है आदित्य 469 सर। इस टाइम मशीन का मुझे पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। ए सर, इधर आओ। इस टाइम मशीन में बिठाकर मुझे 50 साल पीछे ले जाओ। सर, अगर तुम नहीं माने तो ये खबर फैला दूंगा और ऑल न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। प्लीज ऐसा मत करना, ये टाइम मशीन आपकी ही समझिए। सच कह रहा हूँ, मैं आपको इसमें बिठाकर पूरी दुनिया घुमाऊंगा। पहले टाइम मशीन में घूमूंगा और उसके बाद। सर सुनिए, ये इतनी आसानी से पटने वाली नहीं है। ये मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओह नो, मुझे यात्रा की तैयारी करनी होगी। उसे यहाँ से जाने के लिए कह दो माँ। लेकिन बेटा। लेकिन क्या? लेकिन क्या? हमने यहाँ उसे अपनी बेटी की शादी के लिए बुलाया था, लेकिन वो शादी ही तोड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर मैं उसे यहाँ क्यों रहने दूँ? भैया, अगले महीने की 12 तारीख की उसकी टिकट बुक्ड है। उसके बाद अगर हम कहेंगे भी तो वो नहीं रुकेगा। तो उसे साफ साफ कह दो कि जब तक वो यहाँ है मेरी नजरों से दूर ही रहे। तुम्हें ये भले घर जैसा लग रहा है, लेकिन असल में ये जेल है। भागना तो दूर, तुम यहाँ से एक फोन भी नहीं कर पाओगे। विलन 2, देखा, तुम्हारे बाप का फोन है। हेलो। हेलो, मैं हूँ। मेरा बेटा ठीक है ना? भगवान पर भरोसा रखो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है राजा, थैंक यू राजा। इसे देखो, ऐसा लग रहा है कि अफ्रीका के जंगल से कोई सीधे यहीं आ रहा है। हाय ब्रो, डोंट रेज योर आई ब्रो, हाई फाइव। इस बैग में क्या है सर? बैग में कुछ नहीं, टॉवल है, ब्लैंकेट है, सोप है, शैम्पू है। हम टाइम में पीछे जा रहे हैं ना, क्या पता आज की चीजें हो ना हो। इतना दिमाग तो हमने भी नहीं लगाया था। इनके जितना दिमाग तो हमारे पास है भी नहीं। और मेरे इस तेज दिमाग का आज तक बहुत लोगों ने फायदा उठाया है। हो सकता है। ये बस एक लड़की नहीं, एक खूबसूरत खुशबूदार फूल है। फ्रेश, सूंघने तो जरा। तू फूल में भौरा। टाइम हो गया सर, टाइम मशीन का टाइम। हाँ। टाइम हो गया। हाँ। इधर आओ। यूज़लेस फेलो, कम ऑन, इस धूल का फूल, कम ऑन। आइए ना, अंदर आइए। आइए ना सर। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं स्विच ऑन करके आता हूँ। अच्छा, जाओ। ओके ओके। तुम्हें डर लग रहा है ना? मुझे डर नहीं लग रहा। नहीं, तुम्हारे फेस पे दिख रहा है। मुझे देखो, मैं बिल्कुल नहीं डरता है। 1960s लॉक। शांत हो जाइए।